शरीर में खून की कमी होना मतलब कि आप बीमारियों के घर में फंसने वाले हैं। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो कई तरह की समस्याएं शरीर को अपना घर बना लेती हैं। लेकिन लोगों को शरीर में खून की कमी के लक्षणों के बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, अगर आपने समय रहते इन लक्षणों को पहचान लिया तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। इसलिए सबसे जरूरी है आपका ये वीडियो देखना। साथियों, खून की कमी की वजह से आप गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। अगर आप अपनी सेहत को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर में पैदा हुई खून की कमी को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। और अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। जी हाँ, ये खून की कमी का पहला लक्षण है। शरीर में खून की कमी पैदा होने की वजह से आपको सांस फूलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो ये लक्षण भी खून की कमी की तरफ इशारा कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको दिन भर थकान और कमजोरी महसूस होती रहती है या फिर अक्सर एनर्जी की कमी महसूस होती है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, शरीर में खून की कमी का अगला लक्षण है दिल की धड़कन बढ़ना। छाती में दर्द जैसे लक्षणों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर खून की कमी पैदा हो गई है। बार बार संक्रमण हो जाना या फिर सर में दर्द होना भी खतरे का संकेत हो सकता है। इसके अलावा खून की कमी की वजह से दिल की धड़कन भी बढ़ सकती है। और अब हम आपको बताते हैं उस लक्षण के बारे में जो बेहद आम है। इसी वजह से लोग पहचान ही नहीं पाते कि उनके शरीर में खून की कमी हो गई है, और वो है स्किन का पीला पड़ जाना। दोस्तों, खून की कमी का असर आपकी स्किन पर भी दिख सकता है। स्किन का पीला पड़ जाना खून की कमी की तरफ इशारा कर सकता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो बिना देरी किए आपको अपनी जाँच करवा लेनी चाहिए, वरना आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। साथियों, अगर आपको इनमें से किसी भी तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि शरीर में खून की कमी से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल करें जो खून बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।